सर रखिएगा बेटा, मुझे पता है कि नींद आप पे हावी हुई है, मर नींद को बेटा छोड़ी, कुछ पाने के लिए बेटा सब कुछ खोना पड़ता है। अभी सभी सर क्लास दे रहे थे, तो जब सभी सर क्लास दे रहे थे तो बहुत सारे बच्चे कहते थे निंदर खुद। समझ में आ गया बेटा, अगर नींद ही करनी है फिर पढ़ना क्यों है? फिर क्यों बेटा वो ख्वाब देखते हो? समझ में आ गया, जो आप बेटा हासिल ही नहीं कर पाते। आप में जो चाहता है कि मैं नीट क्वालिफाई करूं, आईएएस करूं, केएस करूं, ये एक बहुत बड़े ख्वाब है। किसी आईएएस ऑफिसर से बेटा बात करो, उसके बाद उसको कहो कि आपने आईएएस कैसे किया। किसी केएस ऑफिसर से बात करो और उसको कहो कि आपने केएस कैसे किया। किसी डॉक्टर के साथ या किसी इंजीनियर के साथ बात करो, उसको बोलो कि आपने डॉक्टरी या इंजीनियरिंग कैसे की। बेटा बहुत कुछ सुनाएगा आपको। हैरान है सब मुझे ऊंचाई पे देखकर, किसी ने मेरे पैर के छाले ना देखे। बेटा बात किया करो ना इन लोगों के साथ और फिर पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की होती और कैसे बेटा इस मुकाम तक पहुंचे होते। अगर आईएएस ऑफिसर के पीछे बेटा फौज लगी होती है, सायरन लगी होती है, वो ऐसे ही नहीं लगी होती है बेटा, उसने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होती है, बहुत पापड़ बेले होते हैं। तो इसीलिए बेटा इन लोगों के साथ कभी कभी उठा बैठा करो, इनके साथ कभी कभी बात किया करो, उससे आपको पता चलेगा कि ये कितने दौरों के साथ, मुश्किल के दौरों से गुजरे होते हैं और उसके बाद बेटा इस पड़ाव पे, इस हाइट तक पहुंचते हैं। तो अगर आप बेटा इस टाइम, आपका बेटा अचीवमेंट, एरा ऑफ अचीवमेंट है, अगर आप इस टाइम भी सोए तो व्हाट्स द फन। मुझे भी नींद आती है, मैं भी एक इंसान हूं, मैं पत्थर का नहीं बना हुआ हूं, आपके लिए बेटा जागा। बेटा अगर टीचर जागा हुआ है, टीचर क्लास दे रहा है, तो आप क्यों बेटा सोए हुए? प्लीज बेटा थोड़ा बहुत बेटा अपने जमीर को टटोलो, क्योंकि बेटा ये दिमाग है ना, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। एक इंसान को अगर फनाह करता है, उसका दिमाग ही उसको फनाह करता है। आप देखिएगा बेटा, ये दिमाग आपको कभी चैन से नहीं बैठने देता। बहुत सारे बच्चे इस टाइम होंगे और छोड़ो ये लेक्चर, इससे क्या मिलेगा, YouTube पे कोई फिल्म देखेंगे, YouTube पे कोई ड्रामा देखेंगे, YouTube पे कोई सीन देखेंगे, मगर क्या बेटा, ये दिमाग आपको कंटिन्यूअसली परेशान करता रहता है, इसको पालतू बनाओ बेटा। जिन इंसानों ने अपने दिमागों को पालतू बनाया, वही सिकंदर होते बेटा, वही बादशाह बनते। तो इसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये दिमाग आपको कहेगा नींद आई, चलो अब सो जाओ, फेंको ना ये लेक्चर, इससे क्या हासिल होगा हमें। समझ में आ गया, उसको को नहीं, चुप करके बैठो, मेरा कैरियर मेरे सामने है, मेरे माँ बाप के सपने मेरे सामने हैं, मुझे इन सपनों को आगे लेना है, मुझे अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो इसे बेटा मेहरबानी करके जागो, जागो बेटा, चारों तरफ से आग लगी है, जागो और पढ़ो।